आसमा, आपने इंटरव्यू किया जरदारी साहब को, अब जरदारी साहब नो कॉन्फिडेंस की भी बात कर रहे हैं, परवेज इलाही से दूरी की भी बात कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि अगर ये तहलील करेंगे तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, वफाक में हुकूमत नहीं तहलील करेंगे, कोई हिकमत अमली है या इमरान खान की तरफ से इनिशिएटिव ही का इंतजार कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि अभी तो पूरा इंतज़ार ये है कि इमरान खान साहब असम्बलियों की तहलील का ऐलान कब करें, और इस बात का उनको पूरी तरह से यकीन है कि असम्बलियों की तहलील का ऐलान नहीं किया जाएगा। और इसी तरह से अगर तहलील का ऐलान नहीं होता, असम्बलियाँ नहीं टूटती, तो फिर उसके बाद एक पूरा लायअमल जो है वो मौजूद है जरदारी साहब के पास, और परसों इसी सिलसिले में उनकी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई थी, और ये सारी चीज़ जो है वो एतमाद के ज़रिए से सामने आई है उनके साथ, दोनों यानी एक सफ़े पे है कि पंजाब के अंदर, और यहाँ तक कि वो अब खैबर पख्तूनख्वा की भी बात करें कि केपीके के अंदर भी उनके पास मेजॉरिटी आ सकती है और बहुत सारे गुमराह लोग जो हैं वो वापस लाए जा सकते हैं। ये मैं आपको बताऊं जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो इसमें ये भी है, जो उन्होंने आज अपने इंटरव्यू में कहा भी था कि ये भी अभी एक अपील के अंदर बहुत सारे लोग ये डर भी रहे हैं कि कहीं वो डी सीट ना हो जाएँ, इसलिए वो खौफ है। तो एक ये अपील वाला जो हला है या जो रिव्यू पिटीशन है उसके ऊपर भी ये जो गवर्नमेंट है ये खुद जा सकती है या कॉलिशन जा सकता है, और उसके साथ साथ एतमाद के वोट के सिलसिले में भी इनकी मुशावरत जारी है कि अगर गवर्नर्स एतमाद का वोट लेने की बात करते हैं तो उस सूरत में बहुत सारे लोग डी सीट नहीं होंगे, अगर कोई एब्सटेन करता है या वो वोट नहीं डालता तो एतमाद का वोट डालने की सूरत में जो है वो डी सीट नहीं होंगे। तो ये एक वो लायअमल है जो कि नज़र आता है, लेकिन कॉन्फिडेंस है, एतमाद है कॉलिशन के अंदर, और वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब ये फैसला नहीं करेंगे, और अगर कर लिया तो एक पूरा एक प्लान बी जो है वो इत्तेहादी गवर्नमेंट के पास मौजूद है दोनों सूबों के हवाले से। शहजाद, हमें नज़र आ रहा है कि परवेज़ इलाही साहब भरपूर एतमाद का इजहार कर रहे हैं कि जी जो इमरान खान साहब कहेंगे वो करेंगे, पब्लिकली तहरीक इंसाफ भी यही कह रही है, मगर कहीं ना कहीं नून लीग हो, दीगर जमातें हों, वो इस बात का भी इजहार कर रही हैं पीडीएम से कि परवेज़ इलाही साहब तो पहले भी हमसे वादा करके भी पलट चुके हैं, तो ये जो एतमाद का इजहार है तहरीक इंसाफ का परवेज़ इलाही साहब पर, वो अंदर भी इतना ही एतमाद है क्योंकि अनाउंस कर दिया इमरान खान साहब ने, इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब। देखिए, पहले तो एफ एन बट्स का सवाल है ना, जो पीडीएम भी कह रही है और वो समझते हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबली तहलील नहीं करेगी, तो हम इस पर बाद में आते हैं, लेकिन जो वैसे एक रिएक्शन आया है पीडीएम जमातों का और पीपल्स पार्टी का वो बहुत ही अजीब था, और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बैकफुट पर नजर आए, क्योंकि पहले बड़े एतमाद के साथ कहते थे कि ये दो असेंबलियाँ इनके पास हैं, पीटीआई के पास, ये तहलील कर दें तो मुल्क में जनरल इलेक्शन हो जाएगा, हम भी इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे, हम कौमी असेंबली डिसॉल्व कर देंगे, लेकिन जैसे ये कार्ड प्ले किया इमरान खान ने, जो रिएक्शन था दूसरी तरफ से वो यही था कि नहीं, हम किसी ना किसी तरीके से असेंबली तहलील होने से बचा लेंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे, गवर्नर राज लगा देंगे, और फिर ये भी आज कहा राणा सनाउल्ला ने कि कोई गैर आइनी कदम नहीं उठाने देंगे। जैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आइनी इकदाम था, उसी तरह असेंबलियां तहलील करना आइन में मौजूद है, चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है जिसको फॉलो करना है गवर्नर ने 48 घंटों के अंदर, अदरवाइज जो असेंबलियां हैं वो खुद तहलील हो जाएंगी, तो ये बड़ा बैकफुट पे नजर आए। अब पिछले एक दो दिन से मैं सुन रहा हूं इंटरव्यूज में, जैसे जरदारी साहब ने कहा, फिर आज राणा साहब ने हामिद मीर साहब के शो पे कहा है कि अगर ये असेंबलियां वाकई तहलील कर देते हैं तो हम इनका मुकाबला करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी, तो वो ये तो कह रहे हैं कि जनरल इलेक्शन नहीं होंगे पूरे मुल्क में, लेकिन हम इन दो असेंबलियों में मुकाबला करेंगे, तो ये मुझे लगता है कि एक दो दिन बाद ये पोजीशन, एक दो दिन से ये पोजीशन सामने आ रही है, अदरवाइज तो वो बिल्कुल बैकफुट पे नजर आ रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम किसी भी तरीके से असेंबलियों को तहलील होने से रोकेंगे। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से मेरी बात हुई है आज, जो परवेज़ इलाही साहब की मीटिंग थी उसके बाद भी, तो वो भी वेट एंड सी की बात कर रहे हैं, और दो कम से कम जो सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ की, वो ये बात कन्फर्म कर रहे हैं कि हम जो वेट कर रहे हैं वो मुज़ाकरात का कर रहे हैं, यानी कि अभी भी उनको उम्मीद है कि जो बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत के साथ, शायद मई में अगर वो इरादा दिखा देते हैं कि हम मई तक इंतखाबात करवा देंगे, कौमी जनरल इंतखाबात करा देंगे, तो शायद हमें असेंबली तोड़ने की ज़रूरत ही ना पेश आए। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेट एंड सी कर रही है कि हमने क्या करना है, क्या हम असेंबली फौरी तौर पर तहलील कर दें, जिसमें ऑब्वियसली मुशावरत का अमल भी जारी है, परवेज़ इलाही साहब का फ्यूचर ऑब्वियसली मोनिस इलाही को पीटीआई के साथ नज़र आ रहा है, तो वो मरहला जारी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि किस किस्म का रिस्पांस आता है। तो मेरे ख्याल से अगर बैकडोर मुज़ाकरात के जरिए कोई अश्योरिटी मिल जाती है मई जून में इंतखाबात की, तो तहरीक इंसाफ समझती है पे तहलील करने की जरूरत ही नहीं पेश आएगी। आपको लगता है आसमा के दो सूबों में अगर तहलील हो गई हुकूमत, तो ये जो दावा है पीडीएम का कि हम फिर भी अपनी हुकूमत चलाते रहेंगे और वहां पर इलेक्शन में मुकाबला करेंगे, मुमकिन हो पाएगा या फिर मुल्क इलेक्शन ही की तरफ जाएगा?
देखिए शाहजेब, अगर दो सूबों की गवर्नमेंट्स जाती हैं, असेंबलीज जाती हैं, तो एक आइनी ऑप्शन है कि वहीं पर इंतखाबात करवाए जाएँ. उसके बीच में एक केयर टेकर सेटअप भी आता है, और वो केयर टेकर सेटअप या जो भी इंतजामी मशीनरी है उसके अंदर भी जो ब्यूरोक्रेसी और तमाम मामलात हैं वो फेडरल गवर्नमेंट ही देखती है. तो पीटीआई ये चीज़ भी मद्देनज़र रखे हुए है. दूसरी बात यह है कि पीटीआई के अंदर भी इख्तलाफ मौजूद है. कल भी हमने सुना और आज भी कुछ लोगों से बात हुई तो वो ये समझते हैं कि एक बड़ी तादाद है जो ये कहती है कि हमें हुकूमतों से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर इंतखाबात हो गए तो इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है वो इनके पास है, यानी कॉलिशन के पास है, तो इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना होगा. तीसरी बात यह है कि जो तहरीक इंसाफ के जो बहुत सारे और भी मामलात जिसके अंदर एक अपनी एतमाद की फ़िज़ा है पार्टी की, फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उनकी निगाहें हैं. परवेज़ इलाही साहब बहुत बड़ा फैक्टर हैं. परवेज़ इलाही साहब की दो तीन दिन यहाँ इस्लामाबाद में बड़ी अहम मुलाकातें भी हुई हैं और अभी भी वो बैकडोर चैनल पे हैं. जरदारी साहब ने भी आज हमें इंटरव्यू में कैटेगोरिकली ये नहीं कहा कि वो रूल आउट नहीं किया कि उनका उनके साथ दोबारा बात नहीं हो सकती. उन्होंने कहा दूरियां ज़रूर हैं, लेकिन ये दूरियां पहले भी मौजूद थीं और उसके बावजूद आपने देखा कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे. तो अब एक तरह से उन्होंने ये इंडिया उस वो दरवाज़ा भी ओपन किया है. तो अभी परवेज़ इलाही साहब एक बहुत बड़ा फैक्टर हैं. वो कह तो रहे हैं लेकिन बैकडोर चैनल के साथ वो इंगेज करने की कोशिश भी कर रहे हैं पिंडी को. अभी तक जो हमारी इत्तला है, जो तहरीक इंसाफ सहारा ले रही है या देख रही है, वो पिंडी की तरफ है और वहाँ से अभी तक कोई इशारा उनको नहीं मिल रहा. और ये पॉलिटिकल लोगों ने ही फैसला करना है, जो कि पिंडी या जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये कह रही है कि पॉलिटिकल लोग फैसला करेंगे कि क्या है और क्या नहीं और कब इंतखाबात तय होने हैं. मुझे ऐसे लगता है कि मई या जून तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि जून में आपको एक और बजट देना है, उससे पहले भी एक बजट की बात हो रही है. सो ऐसा नहीं लगता कि कोई भी ऐसी सूरत हो कि ये हुकूमत जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अपने आप को नेशनल असेंबली अपने तोड़ दे या इलेक्शन की तरफ चली जाए. सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो वहाँ पे अपनी असेंबली बर्खास्त नहीं करेंगे. बलूचिस्तान के अंदर एक गवर्नमेंट है, वहाँ असेंबली वर्किंग कंडीशन में है, वो भी उसको बर्खास्त नहीं करेंगे. तो दो सूबों के इंतखाब कोई बड़ा मसला नहीं है कॉलिशन के लिए, जो उनके कैंप से बात आ रही है. और ये इमरान खान साहब को बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप इस मामले को पॉलिटिकली डील करें और ये अनाउंसमेंट की हद तक रहे और मुशावरत में इसको मुस्तरद कर दिया जाए तो ये ऑप्शन भी सामने ज़रूर रखना चाहिए तहरीक इंसाफ के अंदर. शाहजहर, इमरान खान साहब का भी मकसद खुद वज़ीर आज़म बनना है, ना कि दोबारा सूबों में हुकूमत आ जाए. अब आपको लगता है कि वाकई इलेक्शन ही की तरफ मामला जाएगा? कितने पीडीएम दावे कर ले, ये नहीं हो पाएगा मामला कि जी तहलील हो गई और उसके बाद सिर्फ दो सूबों में इंतखाब हो रहा हो? मुझे लगता है बड़ा मुश्किल होगा. पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि सूबों में इलेक्शन हो रहे हों और कौमी असम्बली के ना हो रहे हों. हमेशा इलेक्शन साथ ही होते हैं. वो अलग बात है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी इस मुल्क में पहली दफ़ा कामयाब हुआ है, लेकिन आप स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, अगर केपी में तो क्लीन स्वीप कर जाएगी तहरीक इंसाफ, काफ़ी हद तक जो है उनका वोट बैंक वहाँ पर है. पंजाब में भी अगर वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर जब कौमी असम्बली के इंतखाबात अपने वक्त पे होंगे तो सूबाई हुकूमतें होंगी पीटीआई की यहाँ पर, क्योंकि पीटीआई बड़ी कॉन्फिडेंट है कि हम ये इलेक्शन दोनों सूबों में जीत जाएंगे. तो वो मेरे ख्याल से ना फजल रहमान साहब को सूट करेगा केपी में, ना नून लीग को सूट करेगा पंजाब में. तो मुझे लगता है कि ये बड़ा मुश्किल होगा के दो असेंबलियां तोड़ दें और आप पूरे मुल्क में इंतखाबात नहीं करा रहे, दो जगह हो रहे हैं. और पीटीआई का तो मकसद ही यही है कि पॉलिटिकल क्राइसिस उन्होंने क्रिएट करना है. ज़्यादा से ज़्यादा जितना बड़ा क्राइसिस होगा उतना जल्द वो समझते हैं कि इलेक्शन की तरफ मामला जाएंगे. लेकिन जो परवेज़ इलाही वाला मामला है शाहजेब, देखें ये बात ठीक है, पहले वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं और बड़े अच्छे उनके ताल्लुकात रहे हैं जरदारी साहब से, लेकिन इस वक्त काफ लीग में जो शॉट्स कॉल कर रहे हैं वो मुनिस इलाही साहब हैं और उनको लगता है कि उनकी सियासत का जो मुस्तकबिल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ा हुआ है. ख़ास तौर पे वोट ऑन नो कॉन्फिडेंस के बाद जो स्प्लिट हुआ है फैमिली में, और सालिक और जो कुछ लोग जो चौधरी परवेज शुजात चौधरी शुजात हैं, सालिक हुसैन हैं, वो जब वहाँ पे चले गए नून लीग के साथ, तो ये बड़ा मुश्किल होगा कि मोनिस इलाही अब जो है कोई ऐसा फैसला करें जिसमें उनको नून लीग के साथ एक अलायंस बनाना पड़े, क्योंकि वहाँ पे उनकी कोई कद काट नहीं रहेगा, उनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी. और इस वक्त भी जो मामला है, मेरे ख्याल से परवेज़ इलाही साहब को पता है कि अगली हुकूमत अगर पीटीआई की आती है पंजाब में तो चीफ मिनिस्टर तो नहीं बन सकेंगे. तो जो जिस बात पर वो नेगोशिएट कर रहे हैं वो ये है कि अगली सीट एडजस्टमेंट क्या होगी. इस वक्त 10 उनकी पंजाब असेंबली में सीट है, आई एम श्योर वो उससे ज़्यादा डिमांड करेंगे ताकि जब भी पीटीआई हुकूमत बनाए पंजाब में, बेशक चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही या फिर काफ लीग का ना हो, लेकिन वो इस पोजीशन में हो
कि वो पीटीआई अलायंस के बगैर, उनके अलायंस के बगैर हुकूमत कायम ना कर सके। तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो बातचीत हो रही है काफ लीग की, वो इस पर भी हो रही है कि अगर हम इलेक्शन में जाते हैं, असेंबलियां तोड़ते हैं, तो कितनी सीटें पीटीआई हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार होगी, ताकि जो भी अगली हुकूमत बने उसमें पीटीआई हुकूमत का खास हिस्सा रहेगा।